हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ क्रिस्पी पोहा चिवड़ा की रेसिपी लेके आ गई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्पी पोहा चिवड़ा बनाने के लिए मैं पतला पतला पोहा का इस्तेमाल की हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी कुछ नट्स लिए हैं जैसे मेलन सीड, नारियल, काजू, किशमिश, आमंड्स, ग्रीन चिली, कारिया पत्ता, चना, मूंगफली, ये सारे को मैं ली हूँ। आप नट्स कोई भी ले सकते हो। अभी मैं कढ़ाई में पोहा को दे के मीडियम टू लो में इसे फ्राई करूँगी, ड्राई रोस्ट करूँगी 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए मेरा पोहा फ्राई हो गया है। अभी मैं इसे साइड में रख के 4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी कढ़ाई में, डाल के सारे नट्स को मैं फ्राई करूंगी। पहले मैं इसका तड़का डालूंगी राई और जीरा और हींग, उसके बाद मैं सारे नट्स को धीरे धीरे डाल के फ्राई करूंगी। ये टी टाइम स्नैक्स है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर बनाइए। स्नैक्स की और भी रेसिपी है मेरा चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए धीरे धीरे मैं सारे नट्स को डाल के फ्राई करूंगी, डीप फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी फ्राई कर सकते हो। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो में रहेगा। आप देख सकते हैं मेरा पूरा नट्स फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर और कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। गैस का फ्लेम लो करके अभी सारी चीज़ को मैं मिक्स कर लूंगी। लास्ट में मैं किशमिश को डालूंगी। अभी जो पोहा को मैं फ्राई करके रखी थी उसे मैं डाल दूंगी, डाल के सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी गैस का फ्लेम लो करके मैं इसमें डालूंगी काला नमक, आमचूर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और शुगर। आप चाहे तो पाउडर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अभी मैं सारी चीज़ को मिक्स करूंगी। रेसिपी अच्छे लगे तो मेरा रेसिपी को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितना आसानी से मेरा बन गया है पोहा चिवड़ा। उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप सबको अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा कोई रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।